नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला डोसा, जो कि एक साउथ इंडियन रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम मसाला डोसा बनाना शुरू करते हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कटोरी चावल लिया है, 1, 2, 3, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है, आधी कटोरी मैंने यहाँ पे चना की दाल ली है। सारी मेजरमेंट मैंने इसी कटोरी से की है। और यहाँ पे मैंने गोविंद भोग चावल लिया है। आपके पास डोसा का चावल है तो आप उससे बना सकते हैं डोसा। और इन सभी चीज़ों को हमें सोक करना है 4 से 5 घंटे के लिए। मैंने इन सभी चीज़ों को मिक्स करके सोक कर लिया है, तो इसे हम हटा देते हैं। और यहाँ पे मैंने सोक कर लिया है, देखिए, 4 से 5 घंटे के लिए सभी चीज़ों को। और इसे हमें ग्राइंड करना है। अब मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 बॉयल आलू लिया है, जिसे मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। और यहाँ पे हम लेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, आधी शिमला मिर्च, जिसे मैंने काट लिया है, और यहाँ पे थोड़े से गाजर है, जिसे काट लिया है, और थोड़े से मटर के दाने हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने हैं, और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार है, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर है। यहाँ पे मैंने 2 मिर्च लिए हैं, अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से हरे धनिया की पत्ती ली है। तो चलिए हम मसाला डोसा बनाने के लिए पहले डोसा का बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। और एक भाग को हम थोड़ा सा स्मूथ पीसेंगे और एक भाग को हम थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने थोड़ा मोटा ही पीसा है। देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, इसमें अभी थोड़े दाने हैं, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा जो और बचा हुआ दाल और चावल का मिक्सचर है, उसे हम इसमें डाल देते हैं ग्राइंडर जार में, और इसे हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल महीन पेस्ट है, देखिए। तो इसे भी हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोनों पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। और अगर आप बेकिंग पाउडर ऐड करना नहीं चाहते तो आप इसे फर्मेंट करने के लिए रख दें, उसके बाद आप इससे डोसा बना सकते हैं। डोसा के बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो चलिए हम अब मसाला बना लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने और इसे हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। देखिए, ये चटक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसमें आप अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी हम भून लेते हैं। मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसमें हम डाल देंगे हल्दी, और हमारा जो गाजर और शिमला मिर्च है उसे भी हम ऐड करके इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट। सब्जियों को मैंने 1 मिनट भूना है। अब हम इसमें हरे मटर के दाने ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करके थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसे हमें और 1 से 2 मिनट पकाना है। इसे हम कवर कर भी सकते हैं और या तो ऐसे भी भून सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटा देते हैं। देखिए, हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे हम मिक्स कर देंगे, और हमारा जो मैश किया हुआ आलू है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे।
देखिए ये भून चुके हैं, अब हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा डोसा का मसाला बन चुका है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने गैस पे एक नॉन स्टिक का तवा चढ़ाया है और इसे हम पोंछेंगे। तवे को हमें गीला कपड़ा से पोंछना है और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। अब हम इस पे डोसा का बैटर डालेंगे और उल्टा कलछी से हमें इसे इस तरह से फैलाना है हल्का प्रेशर डालते हुए। और अब हम इसे सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसके साइड पे तेल डालेंगे। देखिए हमारा डोसा ऊपर से सूख चुका है, अब हम इसके साइड में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे एक स्पून से इस तरह से। हमें इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है और हम एक स्पैचुला से इस तरह से हम डोसा को करेंगे हल्का प्रेशर डालते हुए ताकि हमारा डोसा और क्रिस्पी बने। डोसा को हम और सिकने देना है। अब देखिए हमारा जो डोसा है नीचे से ब्राउन हो चुका है, देखिए ऊपर से दिख रहा है, तो अब हम इस पे आलू वाला मसाला डालेंगे और इसे हमें इस तरह से एक साथ कर देना है और इसे हमें अब फोल्ड करना है। डोसे को अगर आप और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसे आप और सिकने दें और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा डोसा बन चुका है और इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। हम तवे को गीला कपड़ा से फिर से पोंछेंगे और इस पे बैटर डाल के फैला देंगे और उसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी मसाला डोसा बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, इसे मैंने सांबर के साथ सर्व किया है। अगर आपको सांबर की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर डालूंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आप ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।